मैं कहते ना एक एवरेज होता है और बिलो एवरेज होता है, मैं उसी टाइप का था सर, मतलब एक बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट था, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ये सेलेक्ट हो सकता है। 1 से 8 तक मैं गांव में ही बगल में ही स्कूल है प्राइमरी, इसी में पढ़ा था, उसके बाद इसी में मेरी मम्मी खाना बनाती है, आती है यहां पढ़ती थी तुम? हाँ सर यही है, यहाँ बैठ कर मैं पढ़ता था सर। आप हमारे लिए भगवान हो। अरे नहीं ऐसा मत बोलिए मैम, हमारा बच्चा के तुम पास कर दिया बहुत खुशी की बात। तुम्हारी मम्मी किसी भी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन से ज्यादा पावरफुल लेडी है, वो संघर्ष करके तुमको पढ़ा के डॉक्टर बनाया है। पुअर नहीं, एजुकेशन में तुम पुअर नहीं हो, तुम पावर में पुअरफुल नहीं हो, स्ट्रेंथ में तुम पुअर नहीं हो, सिर्फ फाइनेंशियली कह सकते हो पुअर हो, वो तुम सॉल्व कर दोगे। तुम्हारी यहाँ से जो भी दिक्कत है, काउंसलिंग का पैसा, कॉलेज फीस, जो भी है सब सब फिजिक्स वाला करेगा, तुम बस निकलो और मचाओ। प्रणाम, क्या हाल चाल? ठीक है सर। कहाँ से हो आप? सर मैं जौनपुर यूपी से हूँ। जौनपुर यूपी, क्या बात है, मचा दिया इस बार तुमने नीट में। थैंक यू सर, बस आपकी ही कृपा है सर। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मेहनत मेरी कृपा थोड़ी है। कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बताओ कैसा रहा, कहाँ से 11th किया, कहाँ से 12th? आप कहाँ रहते हो जौनपुर में? जौनपुर में मैं हरद्वारी गांव है सर, वहाँ पर रहता हूँ। मेरी सर मतलब 1 से 8 तक, मतलब 1 से 8 तक मैं गांव में ही बगल में ही स्कूल है प्राइमरी, इसी में पढ़ा था, उसके बाद इसी में मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, उसके बाद आप पढ़ते थे वहीं पे? हाँ इसी में मेरी खाना बनाती है। जो मेरे 10th और 12th के मार्क्स थे, मतलब सर उसे जब मैं देखता था तो मुझे लगता नहीं था कि ऐसे बच्चे भी नीट को क्रैक कर सकते हैं सर, लेकिन मेरे अंदर एक सर मेरे 10th में 70% थे, 70% थे, और 12th में 73% थे, और सर हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से मैं था, लेकिन सर अंदर एक जुनून था। उसके बाद 2019 में मेरा 12th हुआ था, उसके बाद मैंने 19 के साथ ही मैंने एग्जाम दिया था 12th के साथ, तो मेरे केवल 164 मार्क्स थे सर। फिर मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था, मतलब इतना प्रयास करते सर, मैंने जितना मुझसे हो सकता था, मतलब NCERT रीड की थी, और मतलब जो भी बुक किसी ने बताया सॉल्व किया और फिर एग्ज़ाम दिया सर, लेकिन केवल उतने ही मार्क्स आए, मतलब मैं बहुत गिल्टी फील करने लगा कि मतलब इतने। मैं नीट के बारे में कब से पता था सर? मेरे गांव से मतलब 15 किलोमीटर एक शहर पड़ता है, उसका मणियाहू नाम है, वहाँ एक टीचर हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला। बस बचपन से यही पता था सर कि डॉक्टर बनना है, पर ये नहीं पता था कि कैसे, मतलब किस प्रोसेस से बनना है, कुछ नहीं पता था। उनसे सुना कि हाँ नीट के थ्रू मतलब एडमिशन होता है MBBS में, उसके बाद लग गए सर। कब बताया उन्होंने? कब बताया उन्होंने ये? सर मैं जब 11th में था तब मुझे पता चला था, और फिर मतलब वही कोचिंग करता था मैं, ऑफलाइन कोचिंग था वो। तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था? नहीं सर मेरे गांव में MBBS डॉक्टर नहीं है कोई, मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ सर। क्या बात सर, पहला डॉक्टर? ओ हाँ, भाई सर। अब बाकियों को तुम बता देना कैसे बनते हैं नीट का एग्जाम। हाँ सर श्योर, और वैसे भी सर मतलब बताना क्या है सर, मतलब सब जान गए हैं कि हाँ अगर ये मतलब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और मतलब सर हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मतलब जब रिजल्ट सुने गांव वाले ने मतलब बहुत खुश हुए, मतलब ये बच्चा कर ले गया और बहुत बड़ी बात है, और बहुत सब मोटिवेट हुए हैं, और मतलब जो पीछे वाली जनरेशन है जो मेरे छोटे गाँव के भाई बहन है, चाची चाचा के लड़के वगैरह सब, मतलब अब हो सकता है कि मेहनत आगे अच्छा करें, वरना मतलब एजुकेशन के मामले में मेरा गांव बहुत है मतलब बहुत पिछड़ा है, मतलब कोई एजुकेशन तरफ ध्यान नहीं देता। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया था पहला ड्रॉप ले करके, तो उस बार मेरे 328 मार्क्स थे, और सर मतलब उस ड्रॉप में मैंने जितना इफर्ट्स हो सकता था खुद से मैंने पूरा किया, हालांकि एग्जाम के समय थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, तो मतलब 328 ही मेरे मार्क्स आए, लेकिन सर मतलब मैं बहुत सोच लिया था सर कि अब कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, फिर मैं वही सोच रहा था BSc में एडमिशन लूँ। कहते हैं ना एक एवरेज होता है और बिलो एवरेज होता है, मैं उसी टाइप का था सर, मतलब एक बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट था, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ये सेलेक्ट हो सकता है, और सर फाइनली बस आपकी वजह से। बहुत बढ़िया, अभी तो तुमने फोड़ दिया। तुम्हारी स्टडी टेबल देख सकते हैं जहाँ तुम पढ़ते थे, स्टडी टेबल? सर ऐसा है हाँ टेबल तो दिखा सकते हैं, लेकिन बुक वगैरह वहाँ से हटा दिए हैं सर, दिखा सकते हैं, लेकिन सर वहाँ बहुत अंधेरा होगा इसमें, कोशिश करते हैं सर। लाइट नहीं आ रही है क्या अभी? गांव है सर मतलब थोड़ा हल्का रहता है सर, इसी मतलब टेबल पे मैं पढ़ता था इस समय। तो यहाँ लाइट नहीं आती क्या? आती है। यहाँ पढ़ते थे तुम? हाँ सर यही है, यहाँ बैठकर मैं पढ़ता था सर, और
थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है उधर सुरेश। सर यही है। आ जाओ जाओ बाहर आ जाओ। सर ये मेरी मम्मी हैं। इधर सर ये मेरी मम्मी है। सर बहुत अंधेरा है, कहीं लाइट में आना, बहुत अंधेरा आ रहा है। ये क्या कहीं बाहर आए थे तुम? हाँ सर वो मतलब वहाँ लाइट कम रहती है जहाँ पढ़ते हैं। नमस्ते, आपके बेटे ने एकदम हम लोग को गर्वान्वित कर दिया। हम लोग बहुत बहुत गर्व है हमें आपके बच्चे पे, मचा दिया नाम रोशन। आप हमारे लिए भगवान हो। अरे नहीं ऐसा मत बोलिए मैम, हमारा बच्चा के तुम पास कर दिया बहुत खुशी की बात। अरे आपका बच्चा को आप पास किए मेहनत कर करके, उसको इतना आपने मजबूत बनाया है ना, इतना मजबूत बनाया उसको कि लड़ झगड़ के निकल आया वो, अपने आप खुद निकल आया। हमारे गांव का आदमी बहुत खुशी है। गांव का पहला डॉक्टर बन रहा है ये का? सर जी गांव का पहला डॉक्टर बन रहा है ना ये? हाँ हाँ हाँ, हमारे स्कूल में 12 मास्टर है, सब इतना खुशी है क्या बताऊं। अरे जहाँ मैं मेरी मम्मी खाना बनाती है वहाँ, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा हाँ, हाँ मैं जहाँ खाना बनाती हूँ। आए हम लोग आएंगे तो खाना बना के खिलाएंगे आप? हाँ 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 हाँ, मिलेगा खाना बनेगा। खाना मिलेगा। क्या बात है। और पिताजी कहाँ, पिताजी से बात कराओ, हैं अभी घर पे? नहीं सर इस समय पिताजी घर पर नहीं है, पिताजी इसमें मुंबई गए हुए हैं। मुंबई गए हैं, वो थोड़ा मतलब काउंसलिंग के लिए सब पैसे चाहिए ना, तो उसमें गए हैं, देखेंगे। वो जो कपड़ा खाता है ना वही चलाते हैं, कपड़ा मशीन जो लूम होता है सर, मतलब जिसमें कच्चे कपड़े बनते हैं उसी में काम करते हैं पिताजी। पूरे सही से बताओ कौन से कपड़े? जो कच्चे कपड़े बनते हैं सर, सफेद वाले, जिसे लूम कहते हैं। लूम लूम हाँ, महाराष्ट्र में होता है, वहां पर पापा रहते हैं, वहीं पर तो वहीं काम करते हैं वो। हाँ तो अभी मुंबई, अच्छा कब से मुंबई में काम कर रहे हो? हम लोग छोटे छोटे सर तभी से जानते हैं, मतलब ऐसा बात है सर जी कि उनका माँ बाप नहीं था और चाची चाचा खाना नहीं देते थे, तो उनका संगति लेके मंडी में गया, तो उधर ही कमाते खाते बड़ा हो गया, तब फिर आए तो अपने कमाई से उनका बड़ा भाई शादी किया। चार भाई हैं, चार भाई। अब अच्छा। माँ बाप बहुत पहले मर गया था। सुरेश तुम्हारे और कोई भाई बहन है? हाँ सर हम लोग तीन भाई हैं और दो बहन हैं। मेरे दो बहनों का शादी हो गया है, वो लोग अपने घर रहती हैं, और एक बड़े भैया हैं वो विद फैमिली रहते हैं सूरत में, और मैं और मेरा छोटा भाई। आ जाओ इधर आओ। रमेश इसी बात पहले नमस्ते, आप क्या कर रहे हो अभी? पढ़ाई कर रहे थे। किस क्लास में ये? 12th में? नहीं सर पढ़ाई ये छोड़ दिया है। झूठ बोल रहे थे, तो इनको पढ़ाओ भाई, कहाँ तक पढ़ाई की इन्होंने? ये 10th किया है सर, उसके बाद घर की स्थिति भी नहीं सही है सर। ऐसा है सर मतलब मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो घर का बहुत काम काज होते हैं सर, मतलब इसे हेल्प करना होता है मम्मी का साथ में, तो और इसका इंटरेस्ट भी कम था, तो मम्मी ने कहा तू मेरे साथ हेल्प कर भैया को, मतलब नीट क्रैक करने में, और उसे ज़्यादा हम लोग काम करवाएंगे तो पढ़ कैसे पाएगा, तो मम्मी के साथ हेल्प करता है और फिर मैं पढ़ता हूँ तब। सर क्या नाम है आपका? रमेश पटेल। रमेश जी आप काफ़ी संघर्ष किए हुए लग रहे हैं, मैं आपको बेटा भी नहीं बोल पा रहा हूँ, इतने आपने काम कर रखा है। रमेश जी अगर आपको पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी है तो आप करें, हम लोग पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे उसमें, पैसा रुपया से, किसी भी चीज़ से, कोर्सेज से, टीचर से, अगर आप वापस पढ़ाई शुरू करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। और सुरेश तुम एकदम परेशान नहीं हो, घर के खर्चे वर्चे हम लोग सब देख लेंगे यार, करेंगे मतलब जितना हो सकेगा सब करेंगे, मतलब कैसे मैं बोलूँ, तुमने इतना मतलब ऐसा एग्जाम्पल तुमने सेट किया है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारे जैसे बच्चे ऊपर आए तो गांव से पहला डॉक्टर बनेगा, हमारे लिए कितनी गर्व की बात, कितनी गर्व की बात है हमारी, ऐसे घर से निकल के डॉक्टर बन रहा है, मतलब
इतने तुम आज इतने लोगों को इंस्पायर कर दोगे ना, मतलब दुनिया पागल हो जाएगी तुम्हारे बारे में सुन के भाई। तुम्हें कोई भी देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, शायद कोई मुझे देखकर इंस्पायर हो जाए सर। मुझसे तो मतलब अजीब अजीब के बच्चे, मैं किसी को देखकर इंस्पायर हुआ था सर। पिछली बार जो लड़की थी वो जो जॉब करते हुए सेलेक्ट हुई थी सर, मतलब उन्हीं लोगों को देखता था, बहुत मोटिवेट होता कि सर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और फाइनली मैंने भी किया। रितु, अरे तुमने उसकी कहानी देखी तुम? अरे क्या बात है, अब तुम्हारी कहानी बनाते होगा। हाँ सर, तो मतलब सारे मोटिवेट वीडियो में देखता था कि खुद सेल्फ मोटिवेट हूँ और सर पढ़ सकूं। यहाँ से कोई दिक्कत होगी सुरेश तो फिजिक्स वाला की जिम्मेदारी है यहाँ से, किसी भी तरह की तुम काउंसलिंग का जो बोल रहे हो ना वैसा ऐसा जो भी सब सब जिम्मेदारी। किससे बात हो रही है तुम्हारी टीम में हमारे? सर कुछ नाम था सर, कोई बात नहीं, अंकुर होंगे या सागर जी? हाँ सर, अंकुर सर हैं, अंकुर सर हैं, अंकुर सर होंगे। तुमको 48 आवर्स के अंदर हम लोग फिर से कॉल करेंगे, तुम्हारी यहाँ से जो भी दिक्कत है, काउंसलिंग का पैसा, कॉलेज फीस, जो भी है सब सब फिजिक्स वाला करेगा। तुम बस निकलो और मचाओ, ठीक है? मतलब जितना तुम कर सकते हो तुम करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हम रहेंगे अब यहाँ से तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर बन के निकलना है और अपने गाँव से और डॉक्टर बनाओ यार। और हाँ सर, अब देख कर सब मोटिवेट हो रहे हैं, और मतलब जब हम इतनी पुअर फैमिली से निकल सकते हैं, सबके मन अंदर यही हो रहा है कि मतलब अगर ये इतनी पुअर फैमिली से कर सकता है तो हमारे बच्चे तो और कर सकते हैं। मतलब पुअर नहीं फाइनेंशियली पुअर, बस ये बोला करो। पुअर थोड़ी हो तुम्हारी, अपनी मम्मी को दिखाना। मम्मी, तुम्हारी मम्मी किसी भी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन से ज्यादा पावरफुल लेडी है। वो संघर्ष करके तुमको पढ़ा के डॉक्टर बनाया है। पुअर नहीं, एजुकेशन में तुम पुअर नहीं हो, तुम पावर में पुअरफुल नहीं हो, स्ट्रेंथ में तुम पुअर नहीं हो, सिर्फ फाइनेंशियली कह सकते हो पुअर हो। वो तुम सॉल्व कर दोगे। अब इनका जो संघर्ष है ना माता जी, आपका संघर्ष, आपको सलाम करता हूँ मैं, आपका संघर्ष बहुत बड़ा है। इस बच्चे को डॉक्टर आपने बना दिया ना सर जी। हाँ, हम ना हलवाई के साथ पूरी बेला बेला के पैसा कमा के लड़का को पढ़ाया है। बोले मम्मी तुम्हारा पैसा मैं भाड़ में नहीं फेंकूंगा, मेहनत करूंगा, तू पैसा लगाओ, मैं मेहनत करूंगा, जो चाहता हूँ बन जाऊं। बन रहा है, अब ये बनेगा। हाँ, अरे नहीं हमने नहीं, सुरेश तुम्हें पता होगा मैं खुद भी ऐसे ही घरों से निकला हूँ। आप ज्ञान दिए, सारे वीडियो देखे हैं मैंने सर, और बस यही है। इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसे घर से कोई दूसरा बच्चा निकलता है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का पर्पस पूरा हो गया फिजिक्स वाला बना के। मतलब वाओ, बहुत बढ़िया। सुरेश, यहाँ से कोई भी दिक्कत हो, समझ रहे हो ना, तुम कांटेक्ट करो टीम से। मैम, इसके बाद कोई भी दिक्कत होगी फिजिक्स वाला, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जिम्मेदारी लेंगे, सुरेश को आगे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे यहाँ से। आपने बहुत बहुत संघर्ष किया है। हाँ ठीक है सर जी, बहुत बहुत मजा आया सुरेश तुमसे बात करके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।